हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एंटनी वेस्ट आईपीओ के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये आईपीओ आपका आज यानी 21 दिसंबर को ओपन हुआ है और पहले दिन इसका रिटेल पोर्शन 3.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है जबकि ओवरऑल 2 टाइम्स के करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो रिसेंट में जो भी आईपीओ आया उसको देखते हुए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस आईपीओ हमें एवरेज सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, ना ही उतना बम्पर सब्सक्रिप्शन है और ना ही उतना पुअर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन लास्ट 1 to 2 डेज से इस आईपीओ का डब्बा बाजार में जबरदस्त डिमांड है, तो जबरदस्त डिमांड है तो इस आईपीओ से हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स भी मिलेगा। तो कितना लिस्टिंग गेन्स मिलेगा तो इस वीडियो हम इस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम या प्राइस कैसा है या ग्रे मार्केट में क्या वेट चल रहा है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपने एंटनी वेस्ट के आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर आईपीओ को लेके इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए अब हम इस आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट equity2commodity.in ओपन करते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम पेज में आपको सबसे पहले एंटनी वेस्ट आईपीओ दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहां पे आपको एंटनी वेस्ट आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स होगा। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल equity2commodity पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एंटनी वेस्ट आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू और डिटेल एनालिसिस करके बताया कि इस आईपीओ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो अब हम इसके डिटेल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब हम इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स और ग्रे मार्केट में इसका कैसा डिमांड है, क्या वेट चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं ये आईपीओ आज यानी 21 दिसंबर को ओपन हुआ है और 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड है 313 रुपीज से लेके 315 रुपीज पर शेयर्स और लॉट साइज है 47 शेयर्स का और इसमें 85 करोड़ का फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी के पास सिर्फ 85 करोड़ ही जाएगा, बाकी 215 करोड़ जो भी लोग शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाएगा और आईपीओ का साइज है 300 करोड़, जिसमें 35% रिटेल एलोकेशन है। मतलब इस आईपीओ का साइज काफी छोटा है और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइज छोटा होने के कारण यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम रहेंगे। चलिए हम डायरेक्ट इसके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप एंटनी वेस्ट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को देख सकते हैं एज ऑन 21 दिसंबर टिल 5 PM। तो पहले दिन जनरली QIB और NII एंट्री नहीं करते हैं, वो आपका तीसरे दिन एंट्री करते हैं और थोड़े बहुत दूसरे दिन भी एंट्री करते हैं। तो पहले दिन हमें QIB और NII को फोकस नहीं करना, हमें रिटेल पोर्शन को देखना। तो पहले दिन इसका रिटेल पोर्शन 3.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी आप बोल सकते हैं कि पहले दिन रिटेल पोर्शन 356% सब्सक्राइब हुआ है जो कि काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है और रिसेंट टाइम्स के हिसाब से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें एवरेज सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। वहीं ओवरऑल ये आईपीओ पहले दिन ही 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक ही है। तो इस आईपीओ से हमें तो एवरेज सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है लेकिन डब्बा बाजार यानी ग्रे मार्केट में इसका जबरदस्त डिमांड है, तो इससे हम अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर सकते हैं और पहले हमें इतना लिस्टिंग गेन्स का उम्मीद नहीं था तो इससे थोड़ा सा हमें सरप्राइज मूव भी देखने को मिला है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटनी वेस्ट का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर प्राइस डेली अपडेट होता है, तो डेली आप हमारे वेबसाइट equity2commodity.in पे विजिट कर सकते हैं और एंटनी वेस्ट का आईपीओ ओपन कर सकते हैं। पेज के बॉटम में आके आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं, बाकी सारे आईपीओ का भी आप डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 18 दिसंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 45 से लेके 50 रुपीज पर शेयर्स, 19 दिसंबर को अच्छा खासा जंप देखने को मिला और ये इंक्रीज हो गया 160 रुपीज पर शेयर्स और आज यानी मंडे को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज हो गया 170 रुपीज पर शेयर्स। तो ग्रे मार्केट में देख सकते हैं कि जबरदस्त उछाल देखने को मिला और ये उछाल इसलिए हुआ है क्योंकि डब्बा बाजार में इसका जो डिमांड है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है, अब लोगों में इस आईपीओ को लेके भी अच्छा खासा डिमांड है। तो इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है इसके लिए आप यहाँ पे 170 × 47 कर सकते हैं जो कि इसका लॉट साइज है। तो इस आईपीओ से अब हमें 7,990 या फिर अगर आप राउंड फिगर ले तो यहाँ पे 8,000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है एज ऑन 21 दिसंबर 2020। तो इस आईपीओ से भी अब हमें काफी बंपर लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है और यहां से अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहां से 5,000 से एवर भी लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो ये किस प्राइस पे मार्केट में लिस्ट हो सकता है उसके लिए इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो है 315 और इसमें आप 170 ऐड कर दे तो ये आपका
485 के करीब मार्केट में लिस्ट हो सकता है। ये 400 से लेके 500 के बीच में मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ से हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है, यानी 8000 के करीब। तो अब आपको इस आईपीओ में क्या करना है, जो भी लोग अप्लाई कर दिए वो बिल्कुल सही किए, वो बने रहे, और जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग इसमें डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ में अब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना काफी सेफ माना जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी ये आपको अच्छा खासा कमाई करके दे सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो काम है वेस्ट मैनेजमेंट का, आगे और भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो क्लीन इंडिया का प्लान है उसमें इस कंपनी को और भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ इसके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी का और भी डिमांड इंक्रीज हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, साथ ही साथ अब इस आईपीओ समय अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो लिस्टिंग गेंस वाले और लॉन्ग टर्म दोनों इस आईपीओ में अप्लाई करें। इस आईपीओ से मिनिमम आपको 5000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है। निगेटिव लिस्टिंग के चांसेस अब बहुत कम रह गए, तो आप इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करें, यहाँ पे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप एंटनी वेस्ट का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हैं दूसरे और तीसरे दिन। तो लाइव मार्केट में इस वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन डिटेल्स अपडेट होता है, तो आप equity2commodity.in पे विजिट करके लाइव मार्केट में सब्सक्रिप्शन डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और दूसरे और तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहेगा उसके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल equity2commodity को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।